वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सैम ट्यूटर क्लब में। आज का जो वीडियो है एसएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए एडम फ्रेज का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने इसका 4 पार्ट ले आया हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडम फ्रेज इसमें आपको मिलेगा जो एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, बेल के घंटे बटन में क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए चलते हैं एडवांस फ्रेज का जो लिस्ट है वहां पर। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। तो एडम एंड फ्रेज का जो लिस्ट है वहां पर मैं आपको लेकर आ गया हूं। इसमें जो भी एडम एंड फ्रेज है उसको प्रोनाउंसिएशन करके मैं अब आपको बता रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बताया था कि इससे पहले मैं इसका 4 पार्ट लाया हूं। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा एडम एंड फ्रेज का पिछला 4 पार्ट तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहां से आप उसे देख सकते हैं। और उसी का यह 5वां पार्ट है। और यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर के कैसे तैयारी करें, खास करके स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूं और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि आप यदि एलडीसी यूडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको आपको एक मोटा मोटी आइडिया समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने प्रतियोगिता दर्पण डाउनलोड करने के बारे में एक वीडियो बनाया था। और चूंकि लगभग जो भी एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन जो रहता है तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का बुक काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए हमने उसका एक वीडियो बनाया था। और उस समय उस तरह डाउनलोड हो भी रहा था जैसे मैंने बनाया था, हालांकि अब उस मेथड से नहीं हो रहा है। तो आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो फिर ये नहीं कहें कि उस मेथड से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चेंज हो गया, मैं खुद भी देखा हूँ उस मेथड से अभी नहीं हो रहा है। और जैसे ही कोई नया मेथड पता चलता है प्रतियोगिता दर्पण डाउनलोड करने के बारे में तो फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। चलिए मैं इसको आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताता हूँ। क्रोकोडाइल टीयर्स दिखावटी आंसू, क्रोकोडाइल घड़ियाली आंसू यानी दिखावटी आंसू। कॉल आ स्पेड सत्य बोलना, कम ऑफ सेकंड वेस्ट पवित्र स्थिति में होना। डक एंड ड्रैक्स लुटाना, जैसा कि हर वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि पहले वीडियो को पूरा बात कर लें उसके बाद कॉपी पे नोट करें, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक बार सुन लेने के बाद। डन द डेथ खून करना, डू समवन अ गुड टर्न भला करना। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ पढ़कर बता रहा हूँ तो पढ़कर ही बता रहा हूँ, और यह ध्यान से सुनने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा याद करने में आपको। डिजाइंस ऑन अश्लील हरकत करना या गलत सोच पैदा करना। एल्वो ग्रिज कठिन मेहनत। इट हर्ट आउट चुपचाप झेलना, ध्यान से सुने उसके बाद कॉपी में नोट करें नोटबुक में, बहुत बेनिफिट होगा एसएससी के एग्जाम के लिए। एसएससी के हर एग्जाम में इस क्वेश्चन जिसमें भी एडम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट आ हम्बल पाई शांत भाव से माफ़ी मांगना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा ताकि और भी लोग यदि वीडियो को देखें तो उन्हें सुविधा मिले, पता पहले से चले कि हाँ वीडियो अच्छा है, जानकारी अच्छा है तो वो वीडियो को देख सकें। एक्सचेंज वर्ड्स झगड़ा करना, फ्लैश इन द पैन थोड़ी देर की सफलता। फाइट टू द फिनिश अंत तक लगे रहना। फ्लेश एंड ब्लड बच्चे या मानव स्वभाव। फेस द म्यूजिक समस्या से जूझना। फैमिली ऑन टेंडर हुक्स चिंतित। फेल फ्लैट नहीं प्रभावी होना। यदि आप इसे नोट कर रहे हैं और कोई बात आपको पता नहीं चले कि क्या लिखा हुआ तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार। फिश इन ट्रबल्ड वाटर स्थिति का लाभ उठाना। फ्रेंच लीव आकस्मिक छुट्टी या बिना इजाज़त की छुट्टी। फाइट टूथ एंड नेल पूर्ण प्रयास करना। फ्लैगिंग अ डेड हॉर्स बेकार का समय गंवाना या निरर्थक मुद्दे को दोबारा उठाना। फीदर्स इन वंस कैप गौरवान्वित होना। गिफ्ट ऑफ द गैब बाकपटुता बातूनी या बाचाल। ये जी है, यहाँ पर जी है, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, यह ए इसे मत पढ़ लीजिएगा, जी है GAB। इसलिए बोलता हूँ कि पहले पूरा वीडियो बाच कर लें, सुन लें कि क्या लिखा हुआ है,
उसके बाद ही आप नोटबुक में लिखें बक पटुता बदतूनी या बाचाल। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, सही मकसद का बात करना। गिव अ वाइड बर्थ, दूर रखना। ग्रीन आइड ईर्ष्यालु, ये ग्रीन और आइड अलग अलग नहीं है, ग्रीन के बीच में एक डैश है और आइड दोनों एक साथ है, ग्रीन आइड ईर्ष्यालु बीच में डैश है। गो टू वंस हर्ट, मनपसंद होना। गो टू द डॉग, बर्बाद होना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमन फ्रेज है, आपको SSC का हर एग्जाम में ये जो एडमन फ्रेज है आपको पूछा जाता है। और अभी तक यदि 4 वीडियो देख लिया है और ये 5वां यदि आप देख रहे हैं, तो देखने के बाद आप एडमन फ्रेज जब आप बनाइएगा तो उसमें इस वीडियो से कुछ ना कुछ एडमन फ्रेज आपको मिल जाएगा उसमें। गेट ऑन वंस नर्व्स, गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना। गेट इन टू हॉट वाटर, समस्या में पड़ना। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यह जो एडमन फ्रेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम दे चुके हों तो समझ में आ रहा होगा कि इससे संबंधित आपको एडमन फ्रेज देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। गैदर रोजेज, खुशियाँ ही खुशियाँ पाना। गैदर रोजेज यानी जो गुलाब का जो गुच्छा होता है, एक तरह से गुच्छा कहने का मतलब एक गुलदस्ता टाइप है जिसमें ढेर सारा गुलाब का फूल लगा हुआ है, तो वही खुशियाँ ही खुशियाँ पाना। गो ब्रोक, असहाय होना। गिव अ कोल्ड शोल्डर, अनदेखा करना या बचना। ग्लोब ट्रॉटर्स, विश्व भ्रमणकारी। गेट द सैक, किसी नौकरी से निकाला जाना। जो बात नहीं पता चले कमेंट उसमें कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गेट अ किक, झटका लगना। गिव अप द घोस्ट, मरना। गेट अ फ्ले इन वंस ईयर, बेइज्जत होना या डांट पड़ना। गिव द गन, प्रयास तेज कर देना। गेट ऑफ द ग्राउंड, उड़ान भरना। गेट कंट्रोल ऑफ, आदेश प्राप्त करना। गिव द गेम अवे, अपना रहस्य खोल देना। आप वीडियो देखने के बाद क्या करें कि इसे एक बार पूरा सुन लें, सुनने के बाद क्या करें कि इसे प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ें 2 बार, फिर कॉपी पर 2 बार 3 बार लिखें, आपको याद हो जाएगा। हिट बिलो द बेल्ट, अन्याय करना। हैंड इन हैंड, एकमत होना। होल्ड द फिश, शांत रहना। हिप कोल्स ऑफ फायर, शर्मिंदा करना। हेल्ड द इनेमी एट वे, दुश्मन को दूर खदेड़ना। हेयर ब्रेथ स्कैप, बाल बाल बचना। ये ESCAP है, ये D मत पढ़ लीजिएगा इसे, यह P है, CAPE, स्कैप, बाल बाल बचना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। होल एंड कॉर्नर, अनुचित गुप्त या रहस्य में। हेड्स विल रोल, सरकार बदलेगी। सिर्फ जो बर्ड मीनिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ और हिंदी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ऐसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है यदि मैं एक एक चीज़ को समझा समझा कर बताऊँ तो। बाकी आप लोग को सब समझ में आ ही रहा होगा, याद कर लीजिएगा, लर्न हो जाएगा। हॉन्की पोंकी ढोंग। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर मसले पर टांग अड़ाना। होल्ड इट्स हेड हाई, दिल से हंसना या गौरवान्वित होना। हरक्यूलियन टास्क, मुश्किल कार्य। ऑप्शंस चॉइस, उपहार लेना या ठुकराना। हस मनी, बेमानी अथवा घूस का पैसा। हस मतलब ऐसे भी होता है, शांत से चुपके से यानी चुपके से कोई पैसा देना, किसी को पता नहीं चले गलत काम के लिए, तो वही घूस हुआ, बेमानी का पैसा। हार फोन, बकबक करना, रट लगाना। हार्ड फ्रेस्ट, समस्याग्रस्त। हाई एंड लो, चारों ओर। हैव द फ्लोर, कोई मुद्दा उठाना। हेयर एंड हाउंड्स, छुआ छुई का खेल। हार्ड एंड फास्ट, सशक्त या अपरिवर्तनीय। हैमर एंड टॉन्ग्स, पूरे जोर शोर से। इन अ ब्राउन स्टडी, अध्ययन में तल्लीन। इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, क्षण भर में या बड़ी फुर्ती से। इन अ जिफी, क्षण भर में या जल्दबाजी में। इन रैपर्स ओवर, बहुत उत्साहित होना। इन द ब्लू, हतोत्साहित, क्योंकि पिछला जो 4 वीडियो आया था उसके रिस्पेक्ट में ये वीडियो कुछ बड़ा है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एडमन फ्रेज में लाया हूँ। इन हाई स्पिरिट, आनंदित। इन द वी आवर्स ऑफ द डे, शुभारंभ या प्रातःकाल। इन अ फिस्को, बिल्कुल असफल। इन अ रियल फिक्स, बदतर स्थिति। इन द फैमिली वे, गर्भवती होना। इन डोल ड्रम्स, अनिश्चित।
तो अभी आपने इडम एंड फ्रेज का जो लिस्ट देखा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह इडम एंड फ्रेज है। तो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जता सकते हैं और कमेंट्स में बता भी सकते हैं आपको ये जानकारी कैसा लगा, ताकि औरों को भी इस वीडियो पर आने में सुविधा मिले। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एसएससी संबंधित और किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो आता रहता है, टेक्नोलॉजी वीडियो भी आपको आता रहता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल के घंटा बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।